Heather was 6 months old when his father Naushad was arrested on 14 June 1996 for his alleged involvement in the Lajpat Nagar blast case in Delhi, where 13 people were killed. Naushad was one of the 10 persons booked by the Delhi police in the case. He was the only one from Delhi, while others were residents of Kashmir. It took the trial court 14 years to examine 107 public witnesses, mainly police officials, and convict Naushad to death in April 2010. 2 years later, in November 2012, the Delhi High Court modified Naushad's sentence to life imprisonment. Immediately, Naushad challenged his conviction in the Supreme Court, which issued notice to his appeal in April 2013. However, since then, Naushad's case has been taken up 24 times, but never heard. In these 9 years, Naushad applied for bail 5 times, but each time the top court disposed it with a remark that his appeal would be heard and decided. हमारी लाइफ बहुत बहुत दुखनामे चल रही है. जब मैं 6 महीने का था, मेरे पापा जेल गए थे. आज मैं 26 बरस का हो चुका हूँ, तो अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पाया है. आपसे यही अपील करना चाहता हूँ कि मैं मेरे फादर की सुनवाई बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है. सुप्रीम कोर्ट के अंदर 9 साल से केस हमारा पेंडिंग चल रहा है. हमारी 5 बार बेल लगी है और हेयरिंग काफ़ी बार हो चुकी है, तो इस कारण ये हो रहा है कि हम लोग को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिल पा रही है सरकार की तरफ से. हम लोग से ये अपील करते हैं आपसे कि आप हमारे पापा की बेल जल्द से जल्द लगाएं और जल्द से जल्द हमारी अप्रूव की जाए. द 26-year-old litigation has taken a toll on the family, forcing Heather to leave his studies midway and extend a helping hand in his grandfather's scrap business. The family also had to sell a portion of their house in central Delhi's Turkman Gate to sustain the litigation expenses. बाकी मैं खुद कबाड़ का काम करता हूँ, मैं स्क्रैप का काम करता हूँ, उससे मेरा सब घर खर्चा चलता है. मेरे दादाजी जब जिंदा थे तो वो करते थे. जैसे उनकी डेथ हुई, मैं स्कूल से हट गया और मैं अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया स्क्रैप का. तो आप इसका जैसे खर्चा कैसे उठाते थे? मैं खुद बिजनेस करता हूँ कबाड़ का. अब उससे जैसा वैसा घर चलता है. जैसे पहले कुछ हमने वकील हायर किए, तो उसके लिए हम लोग ने अपनी एक प्रॉपर्टी सेल की थी. मम्मा ने थोड़ा गोल्ड सेल किया था, जब जाकर हमारी चली थी. अब हमारे जो सर हैं फारूक साहब, वो हमसे बिल्कुल पैसे नहीं लेते, जब से हमारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस आया है. ये इनका एहसान है और इनका ये अल्लाह का शुक्र एहसान है कि ऐसे लोगों से हमें मिलवाया. बाकी हम लोग को एडवोकेट के अंदर ही बहुत पैसा जा चुका है जो हम नहीं अफोर्ड कर सकते. सिंस हिज अरेस्ट इन 1996, Naushad has stepped out of jail only 6 times, that too on custody parole. Custody parole is temporary release of an under trial or convict, but under court's custody. The person is under constant police surveillance during custody parole. The family dubs this as injustice, especially since the settled jurisprudence in criminal law is that bail is rule and jail is an exception. 2 बार parole पर आए, कस्टडी पैरोल पर, 3-3 दिन के लिए, और 3 बार 3-3 घंटे के लिए कस्टडी पैरोल पर आए थे. मैं आपको बता दूं, हमारी गलती कुछ नहीं है, हमारा फॉल्ट कुछ नहीं है. सिर्फ हमारे जो भी एविडेंस हमारे खिलाफ जाते हैं, वो कोर्ट ने सब चीज़ रिजेक्ट कर दी ऑलरेडी. 26 साल से हमारे को जब मिला तो नेगेटिव ही मिला, और हाई कोर्ट ने हमसे कहा था कि आपको जल्द से जल्द फैसला ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मिल जाएगा. 9 साल सुप्रीम कोर्ट के अंदर हो गए हैं, अब तक कोई हमारे को रिस्पॉन्स नहीं दिया जा रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही. हमको बोलते हैं कि आपको समर वेकेशन के अंदर, और भी पहले दिन के अंदर बोला है कि आपको हम आपको डेट देंगे, इसमें फाइनल कर देंगे. ऐसा कुछ नहीं हुआ. हमारी बेल भी पेंडिंग में रखी हुई है, हमारी अपील भी पेंडिंग में है. 9 साल यहाँ हो चुके हैं, टोटल 26 साल हो चुके हैं हमारे फादर को तिहाड़ जेल के अंदर. उनकी तबीयत को लेकर भी मैं आपको बता दूँ, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती. हार्ट के पेशेंट हैं, एक अटैक उनको पड़ चुका है. तो मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि हमारी बेल को जल्द से जल्द सुना जाए और उस पर कार्रवाई की जाए. दो द पुलिस हैड फाइल्ड द चार्ज शीट अगेंस्ट 17 पर्संस इंक्लूडिंग दाऊद इब्राहिम, ओनली 10 वर ट्राइड. द ट्रायल कोर्ट टुक 14 ईयर्स टू डिसाइड द केस एंड सेंटेंस Naushad एंड 3 अदर्स टू डेथ. रिमेनिंग 4 वर एक्विटेड. द 4 डेथ कन्विक्ट्स अपील्ड इन द दिल्ली हाई कोर्ट, विच कंक्लूडेड इट्स हियरिंग ऑन 18 May 2012, बट टुक 6 months टू प्रोनाउंस द वर्डिक्ट. While the bench acquitted 2 of the 4 death convicts, it sentenced the remaining 2, including Naushad, to life imprisonment.
Naushad challenged the High Court judgment in the Supreme Court in November 2012. According to Naushad's lawyer, Farooq Rashid, the High Court judgment is highly erroneous and is riddled with contradictions. Mohammad Naushad, जो 1996 लाजपत नगर ब्लास्ट में अक्यूज था, उसको ट्रायल कोर्ट ने आफ्टर 14 ईयर्स ऑफ ट्रायल डेथ पेनाल्टी दी थी, और जिसको नौशाद ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया था सेपरेट अपील फाइल करते हुए। उस अपील में हियरिंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट ने डेथ पेनाल्टी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट कर दिया, और हाई कोर्ट ने अपनी फाइंडिंग में नौशाद के खिलाफ बोला कि देर इज नो डायरेक्ट लिंक ऑफ मोहम्मद नौशाद इन प्लाटिंग द बॉम्ब एंड ही वॉज नॉट प्रजेंट ऑन द स्पॉट। सो बेसिकली ही वॉज कन्विक्टेड लाइफ इम्प्रिजनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ सर्कमस्टांशियल एविडेंस एंड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिकवरी ऑफ RDX फ्रॉम हिज हाउस। एंड हाई कोर्ट while acquitting him under section 302 read with 120B, जहाँ पर trial court ने उसको life imprisonment death penalty दिया था, उसको life imprisonment convert कर दिया, but high court ने उससे पहले एक पैरा में 307 में उसको clearly discharge किया है कि there is no case against, there is no direct link of the Naushad in the blast of this case. He was convicted only on the basis of circumstantial evidence. Rashid says Naushad's appeal in the Supreme Court has raised one grievance, one that definitely doesn't require 9 years to settle. Naushad's appeal claims he could not have been held guilty for conspiracy to murder if he had not committed one. Rashid rues that the Apex Court has not heard Naushad's appeal despite promising to do so. उसको हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया 2013 में, 2014 में उसमें लीव ग्रांट हुआ, उसके बाद हम लोगों ने कई बार बेल लगाई, एंड 2016 में एक बार कोर्ट ने हियरिंग करते वक्त ये बोला कि इसको बेल नहीं, हम इसकी अपील ही मेन ऑन मेरिट पे सुन लेते हैं ड्यूरिंग द समर वेकेशन, बट वो मॉर्टर कभी लग नहीं पाया, और हमने इन बिटवीन 5 बार बेल अप्लीकेशन लगाई, एंड हाई सुप्रीम कोर्ट बार बार यही कह रहा था कि वी कैन नॉट टेक अप द बेल मैटर, वी विल टेक अप द इंटायर मैटर, बट टिल नाउ आफ्टर 9 years ऑफ द एडमिशन ऑफ दिस केस इन द सुप्रीम कोर्ट, स्टिल इट इज नॉट डिसाइडेड, एंड रिसेंटली वी हैव फाइल अ बेल एप्लीकेशन इन March 2022, वेयर इन द कोर्ट ऑफ ऑनरेबल जस्टिस डी वाई चंद्रचूड एंड जस्टिस सूर्यकांत हैज सेड कि दिस मैटर रिक्वायर कंसिडरेशन एंड वी विल टेक अप दिस इंटायर मैटर इन द फर्स्ट वीक ऑफ द इंसुइंग समर वेकेशन, बट दिस मैटर कुड नॉट बी लिस्टेड एंड देर इज नो डेट टिल नाउ इन दिस मैटर। लीगली अ लाइफ कॉन्विक्ट अपॉन कंप्लीशन ऑफ 14 ईयर्स इन जेल बिकम्स एलिजिबल फॉर रिमिशन, विच मीन्स ही कैन बी पार्डन एंड रिलीज बाय द स्टेट रिव्यू बोर्ड। But in Naushad's case, the same is not possible, even though he has spent over 2 decades in jail. The remission part is, we have applied for the remission before the board. So board is saying, ki since your main appeal is pending before the Supreme Court, so we will not consider your case for the remission. Once it is finally decided by the Supreme Court, then we will able to take the matter before the board and board will consider as per law. So on the ground of pendency of the appeal before the Supreme Court, so till now our matter has been not considered for remission or pardon before the board. So now we are planning to file another separate bail application on the ground in the Rajiv Gandhi assassination case, the accused has been given remission after 30 years. And in our case, he has been inside jail since 1996. So almost he has completed more than 26 years without any bail during the trial or appeal pending before the High Court. He has been given 3 times parole bail, that is called custody parole. Once in 2016, when his father has expired, he has given parole bail for few hours to participate in the burial, etc. And second,
टाइम ही हैज गिवन बेल इन कस्टडी बेल पैरोल फॉर 3 days फॉर पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज ऑफ द डॉटर एंड थर्ड टाइम ही हैज बीन गिवन पैरोल कस्टडी पैरोल फॉर 5 days इन 2022 फॉर द पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज ऑफ हिज ओनली सन एंड देयर आफ्टर टिल नाउ मैटर इज नॉट बीन टेकन अप फॉर फाइनल हियरिंग एंड वेल राशिद वर्क्स आउट हिज नेक्स्ट लीगल स्ट्रैटेजी Rashad wonders if the Supreme Court will extend the same relief to his father as it did to A.G. Pirarivallam, a life convict in the Rajiv Gandhi assassination case.